हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एग्रोफॉरेस्ट्री के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखो, किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि प्लीज़ सर, एग्रोफॉरेस्ट्री में कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ टू इम्पॉर्टेंट फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज के बारे में बताइए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको हर सेमेस्टर में मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। सेकेंड इन्होंने पूछा है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट सर्वे, या ऑफकोर्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। और थर्ड इन्होंने पूछा है फॉरेस्ट एरिया कैलकुलेशन, इनको वीडियो चाहिए क्योंकि इनका एग्जाम है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज जो कि इन्होंने दो पूछा है, हाँ दो ही पूछता है आपके एग्जाम में, होते बहुत सारे हैं, बट दो जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। आज का जो वीडियो का ड्यूरेशन है थोड़ा सा लंबा जाने वाला है क्योंकि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और जस्ट ये वीडियो के अपलोड होने के कुछ मिनट के बाद आपको फॉरेस्ट सर्वे के ऊपर वीडियो मिल जाएगा और फॉरेस्ट एरिया कैलकुलेशन आपको मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा। और इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए उसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको मैं उस टॉपिक के ऊपर अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर इनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। नो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो देखिए, फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज क्या होता है, सबसे पहले समझिए। तो ऐसे ट्री जो कि बाकी ट्री के कंपैरिजन में अपने आप को जल्दी ग्रो कर लेते हैं, मतलब इनका ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा होता है एज कंपैरिजन टू अदर ट्री स्पीसीज, ठीक है। तो इनके एग्जांपल काफ़ी सारे हैं बट आपको पांच याद रखने हैं। सगवान ट्री, जिसको हम टिक ट्री के नाम से जानते हैं, देखो कन्फ्यूज होता है कई लोग, टिक ट्री क्या होता है, सगवान ट्री का ही ये इंग्लिश नेम है, सगवान ट्री क्या हिंदी नेम है, ठीक है। केजुरियाना ट्री हो गया, एलमंड हो गया, सिस्टम हो गया, सिट्रस हो गया, तो ये ऐसे ट्री हैं जो कि फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज में आते हैं। तो अगर आपको जब भी ये क्वेश्चन मिले तो एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है कि आप इन्हीं दो ट्री के बारे में मेंशन करें, सगवान ट्री या फिर केजुरियाना ट्री, क्योंकि ये किसी भी आप लिटरेचर को पढ़ेंगे ना तो आपको ये दो एग्जाम्पल 100% मिलेंगे फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज के अंदर, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टिक ट्री के बारे में, जिसको जिनका साइंटिफिक नेम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। फैमिली लैमिनेशी से बिलोंग करता है और इनका ऑर्डर क्या है, लैमियल्स, ठीक है। तो आपको इनका जब भी किसी भी आप क्रॉप्स के बारे में या फिर ट्री के बारे में मेंशन करते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन के अंदर तीन चीज़ जरूर मेंशन किया कीजिए, उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, उनका फैमिली, उनका ऑर्डर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है सगवान ट्री जिसको आप टिक ट्री के नाम से जान रहे हैं। अब देखिए, इनके हम कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर बात करते हैं, तो ये जो है ना सर, वो आपका एलुबियल सॉइल के अंदर बहुत अच्छा तरीके से ग्रो होता है। इनको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए, इनको वार्म वेदर चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, और इनका जो पीएच चाहिए वो 6.5 टू 7.5, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेस, इनको न्यूट्रल के आसपास ही इनको पीएच का रेंज चाहिए, ठीक है। बट अगर जो टीक होते हैं ना, वो उतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं, कब, जब इनको आप ड्राई सेंडी सॉइल में लगा दोगे, ठीक है, सेलो और हार्ड पैन होगा, जैसे सॉइल के अंदर क्या होगा, हार्ड पेन है तो भी ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ज़्यादा एसिडिक कंडीशन है फिर भी ये ग्रो नहीं कर पाएगा, लेटराइट सॉइल है, ब्लैक कोटेड सॉइल है, जैसे कि ब्लैक सॉइल में लगा देंगे, अब ऑफकोर्स पता है ब्लैक सॉइल के अंदर क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वाटर लॉक कंडीशन आ जाएगा। तो ऐसे सॉइल में अगर आप इसको लगा रहे हो ना, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इनको ग्रो करने के लिए एलुबियल सॉइल चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर चाहिए, वार्म वेदर चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा कम डिमांड वाले स्पीसीज होते हैं, ठीक है, बट इनका जो लाइट इंटेंसिटी होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इनके अंदर लाइट पेनिट्रेट करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अंदर आ जाता है। मगर अगर आप देखेंगे तो, जैसे अगर आप जंगल में जाओगे ना, तो अगर ये ट्री लगा हुआ है तो आप देख पाएंगे कि उससे ज़्यादा ही लाइट पेनिट्रेट करके नीचे की तरफ आएगा। अगर आप किसी दूसरे ट्री के कंपेरिजन में देखेंगे तो वो लाइट ऊपर ही रहेगा, नीचे की तरफ आपको पूरा छाया दिखाई पड़ेगा, बट ये ट्री के साथ ऐसा नहीं है, इनका लाइट इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना होता है सर, ये पूछा गया है, 75 to 100% होता है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, इनका लाइट इंटेंसिटी कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था किसके एग्जाम में, 75 to 100%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ देखेंगे तो ये सी लेवल से 1200 मीटर ऊपर होते हैं, ठीक है, और इनको एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए, 3000
500 mm. तो आपको अगर इस टाइप में सेंटेंस बना के लिखने में दिक्कत होता है ना, तो आप क्या किया कीजिए, स्पेसिफिक पॉइंट लिखिए। जैसे कि यहाँ लिख सकते थे इनको सॉइल कैसा चाहिए, एलुबेल सॉइल चाहिए, इनको पीएच कितना चाहिए, 6.5 to 7.5 चाहिए, ठीक है, इनको कितना रेनफॉल चाहिए, तो 3500 mm इनको रेनफॉल चाहिए। तो इस तरह से आप बुलेट पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए ऐसा मेंशन किया हूँ ताकि आपको और भी चीज़ें समझने को मिले, बाकी आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर देखो ये जो होते हैं ना, आपको मैंने बताया कि मोस्टली इनको मॉइस्चर चाहिए, बट कुछ ड्राइस एरिया में ये अच्छे तरीके से ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, डू यू नो सेंट्रल इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनका टेम्परेचर थोड़ा वेरी कर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको 48 डिग्री सेल्सियस चाहिए और कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बट अगर हम साउदर्न इंडिया की बात करें, जैसे कि आप केरला आ गया, कर्नाटका आ गया, तमिलनाडु आ गया, यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनको टेम्परेचर चाहिए 43 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस चाहिए इनको, ठीक है। तो ये टेम्परेचर आपको यहाँ से मिल जाएगा। नो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम इनकी बात करें कि प्लांटिंग स्टॉक, तो अगर आपको इसको प्लांटिंग करना है तो प्लांटिंग के लिए आप सीडलिंग यूज़ करेंगे, तो सीडलिंग में क्या यूज़ करेंगे, तो याद रखिएगा, तो प्लांटिंग मटेरियल में इनको हम सीडलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें आप इनका सीडलिंग क्या होता है, स्टम्प। तो याद रखिएगा स्टम्प्स क्या होते हैं, मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। तो स्टम्प जो होता है वो प्लांटिंग मटेरियल होता है सगवान ट्री का या फिर टिक ट्री का, ठीक है। इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो इनको प्रिपेयर, क्योंकि देखो स्टम्प है ना, इनको आप सीडलिंग की तरह यूज़ कर रहे हो, तो इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर करने का थोड़ा सा एक प्रोसेस है जिसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए आपको स्टम्प को प्रिपेयर करना है ना, तो आप क्या कीजिए, जो सीडलिंग होता है, जो कि आप सीडलिंग लाए हो, ठीक है, उसको आप नर्सरी के अंदर मेंटेन कीजिए एक साल तक, करीब एक साल तक उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा नर्सरी के अंदर। जैसे ही उस सीडलिंग को आप एक साल तक मेंटेन करेंगे, तो उस सीडलिंग के अंदर क्या होंगे, लीफ और सेकेंडरी रूट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, उस लीफ को और सेकेंडरी रूट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। जैसे ही रिमूव करोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, स्टम्प बन जाएगा। अरे भाई, जैसे आपने इस सीडलिंग को लाया, सपोज ये सीडलिंग है, इसको आपने लेकर आया, इसको आप नर्सरी में रखेंगे, तो नर्सरी में रखेंगे तो इसमें क्या होगा, अब इसमें लीफ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी रूट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये प्राइमरी रूट होता है, ये सेकेंडरी रूट होता है, पता है ना, ये सेकेंडरी रूट होता है और यहाँ से निकलेगा वो टर्सरी रूट होता है। तो फिर आप क्या करेंगे, ये सारे लीफ को या फिर सेकेंडरी रूट को रिमूव कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ना बिना लीफ का, बिना सेकेंडरी रूट का जो है उसको हम लोग स्टम्प बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सूट का साइज होना चाहिए 4 to 6 cm, और इनके जो टैप, क्योंकि ये टैप्ड होते हैं ना, तो इनका जो रूट का पोर्शन होना चाहिए वो एटलीस्ट 15 to 20 cm होना चाहिए, ठीक है। स्टम्प को मोस्टली हम लोग इसलिए प्रीफर करते हैं फॉर द सोरगम, सॉरी सोरगम बोल रहा हूँ, सागवान ट्री के सीडलिंग के रूप में, क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो काफ़ी इजी होता है, ठीक है। एक्चुअली देखेंगे तो सागवान और सोरगम मैंने जस्ट अभी कुछ समय पहले बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो वो आ जाता है, ठीक है। बट आपको मैं यहाँ पे सागवान पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग इसके स्टम्प को यूज़ करते हैं क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो उनको मेंटेन करना काफ़ी इजी होता है, इतना हमको ज़्यादा ख़राब होने का चांस या फिर थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो होप सो आपको स्टम्प समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है ना, कैसे इसको हम प्रिपेयर करते हैं नर्सरी के अंदर। अब देखिए, अब इसको आप क्या कीजिए, स्टम्प तैयार कर दिए, अब स्टम्प को आप सीडलिंग की तरह यूज़ कर रहे हो, इसको आप एज अ प्लांटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो फिर जैसे इसको आप लगाओगे, तो लगाने के बाद जैसे कि फिर आपने तैयार किया ना, तो लगाने से पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, पॉलीथीन बैग में शिफ्ट कर देंगे। अरे भाई, आपने स्टम्प तैयार किया नर्सरी के अंदर, तैयार किए, तो क्या करोगे, उसको पॉलीथीन बैग में शिफ्ट कर दोगे, जहाँ पे अलग अलग सॉइल के मिक्सर होंगे, ठीक है। और फिर इसको नर्सरी के अंदर क्या करेंगे, 3 to 6 months के लिए रख देंगे, ठीक है। तो आपने स्टम्प तैयार किया, स्टम्प को तैयार करने के बाद उसको आप पॉलीथीन बैग में शिफ्ट कर दिए, जो कि अलग अलग सॉइल का मिक्सर था, और फिर उसको आप नर्सरी के अंदर मेंटेन कर रहे हो 3 to 6 months के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने प्लांटिंग किया नर्सरी के अंदर, तो आफ्टर 6 years उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और आफ्टर 15 years उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो फ्लावरिंग होते हैं ना, वो जून से सितंबर में आते हैं, और उसमें फिर फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएगा नवंबर टू जनवरी के बीच में, ठीक है। तो इस दौरान आप क्या कीजिए, फ्रूट को कलेक्ट कर लीजिए,
और ऐसा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग आता है, तो आप इसमें ये भी उम्मीद करेंगे कि सर इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट भी आएगा, बट ऐसा नहीं होता है, केवल 1-2% ही फ्रूट आ पाता है। क्यों ऐसा होता है सर? क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून जो आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको पॉलिनेट कर देता है, दैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके फ्लावर को झाड़ देता है, ठीक है। तो इसलिए केवल इतने फ्लावर होने के बावजूद 1-2% ही केवल फ्रूट यहाँ पे बन पाता है, ठीक है। और इनके जो फ्रूट होते हैं ना, वो काफ़ी येलोइश होते हैं, ब्राउनिश होते हैं, और इनका जो फ्रूट का नंबर होता है वो वेरीज करता है, 1150-2800 पर kg इनका ये वेरी होता है, ठीक है। नाउ अब बात करें सीड कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड नर्सरी टेक्निक के बारे में। तो देखिए, इनके जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे मान के चलो फ्रूट, अगर जो आपका ट्री है वो 40 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 40 साल पुराना ट्री है, तो एवरेज 3 kg ही फ्रूट ये प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। और इनके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें आपको 4 सीड दिखाई पड़ेंगे, जो कि बट मोस्टली में क्या होते हैं, 1-2 सीड ही केवल होते हैं, बट मोस्टली आपको 4 सीड दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। मतलब यार, फ्रूट्स के अंदर 4 सीड्स होते हैं, बट मोस्टली आपको 1-2 सीड ही दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और फिर इसको लेने के बाद क्या कीजिए, उसको अच्छे तरीके से फ्रूट को क्लीन कीजिए। सपोज आपने फ्रूट को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे तरीके से आप क्लीन करेंगे, फिर उसको आप सन, जैसे सन रे होता है ना, उसमें आप ड्राई करोगे 2-3 दिन के लिए, फिर उसको आप स्टोर कर देंगे बैग के अंदर, ठीक है। फिर इसको आप स्टोर करेंगे 2 साल तक, जो उनके आपने फ्रूट्स को लिया, उसको आपने कलेक्ट किया अच्छे तरीके से, उसको आपने क्लीन करा, फिर उसको 2-3 साल तक क्या करेंगे, स्टोर करेंगे बैग के अंदर, ठीक है। इनको मॉइस्चर कितना चाहिए, तो 12% मॉइस्चर में इसको आप स्टोर करोगे, ठीक है। और एयर टाइट कंटेनर में, मतलब उसमें हवा पास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझ आया। नौ आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि देखो उस दौरान इनका डोरमेंसी फेज़ होता है, आप 2-3 साल तक जो इनको स्टोर कर रहे हो, ये इनका डोरमेंसी फेज़ होता है, ये यहाँ पे अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इनको हम लोग प्री ट्रीटमेंट, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, प्री ट्रीटमेंट ऑफ द सीड्स बाय अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। अब देखो, इसको हम लोग जब इनको लगाने का टाइम आता है, तो लगाने से पहले क्या करेंगे, उसको हम लोग अल्टरनेट एक बार भिगाएंगे, फिर सुखाएंगे, फिर भिगाएंगे, फिर सुखाएंगे, ऐसे हम लोग 1-2 वीक तक करेंगे, जिससे क्या होगा, इनका डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगा, फिर इसको आप सोइंग कर सकते हैं। सर अगर आपको कहानी समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए क्या मैंने बताया आपको, आपने फ्रूट को कलेक्ट किया, फ्रूट को कलेक्ट करने के बाद उसको आपने क्या किया, उसको सुखाया, सुखाने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर आप 2-4 साल तक स्टोर करेंगे, जो इसका डोरमेंसी फेज होता है। मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 12%, ठीक है, और उसमें जरा भी हवा नहीं जाना चाहिए। तो अब इनको अगर इनका, क्योंकि ये डोरमेंसी फेज होता है, तो ऐसे में ये लगेगा नहीं, तो इनको डोरमेंसी अगर इसका ब्रेक करना है, तो कुछ आपको प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, सीड्स का। कैसे करेंगे आप, तो इनको आप अल्टरनेट ड्राई कीजिए, सुखाइए, ड्राई कीजिए, सुखाइए, ठीक है, अरे भाई मतलब वेट कीजिए, सुखाइए, वेट कीजिए, सुखाइए, ठीक है, ये होता है। तो इसको आप कुछ वीक तक करेंगे, तो फिर क्या होगा, इनका डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगा, फिर उसको आप लगा सकते हो, ठीक है। और द सीड्स वेयर कैप्ट इन गनी बैग, और फिर सीड को क्या करेंगे, गनी बैग में डाल देंगे, ठीक है, डॉक द बैग, फिर आपको बैग को डॉक करना पड़ेगा वाटर के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि अगर रनिंग वाटर आपको मिल जाए, और वहाँ पे आप वाटर को, ये बैग को डॉक कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा होता है। इसको आप 12 घंटा के लिए कीजिए, और देन स्प्रेड द सीड इन द सनलाइट एंड ड्राई फॉर 12 आवर। तो आपको रनिंग वाटर अगर आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे गनी बैग में इसको डॉक कीजिए, और फिर इसको आप 12 घंटे के लिए सुखाइए, ठीक है, सीड्स को। एंड दिस हैज़ बी रिपीटेड 1 वीक, इसको आपको 1 वीक तक रिपीट करना है। फर्दर उसमें से जो अच्छे साइज़ के होंगे, इक्वल साइज़ के होंगे, जो आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा, उसको आप चुन लीजिए, ठीक है, ताकि उनका जर्मेशन इम्प्रूव हो सके। और फिर जैसे ही आपका जर्मेशन इंक्रीज करेगा, तो इनके फ्रूट के साइज़ भी क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। नौ, इनका जर्मेशन जो है वेरीज करता है 30% to 50%, ठीक है, और ड्राई टिक जो होते हैं वो 5-10%। जो मॉइस्ट टिक होते हैं ना, उनका जर्मेशन कुछ ज़्यादा होता है, कितना होता है, 30-50%, और जो ड्राई टिक होते हैं उनका जो है वेरी करता है, जो ड्राई एरिया में आप लगाए हो ना सागवान ट्री को, वो है वो 5-10% ही केवल वो वेरी, केवल उनका जर्मेशन परसेंटेज होता है, ठीक है। और अब जो सीड्स हैं, अब आपने जो सीड को इतना ट्रीटमेंट करा, यहाँ पे आपने क्या किया, सीड को ट्रीटमेंट कर रहे हो,
अब उस सीड को जो आपने ट्रीटमेंट किया है उसको कैसे नर्सरी बेड में लगाओगे, तो रेज नर्सरी बेड। आपको पता है नर्सरी बेड कितने तरह के होते हैं, तीन तरह का आपने पढ़ा होगा, फ्लैट, रेज और संकेन। तो आपको अगर सगवान ट्री लगाना है तो आप कैस तरह के नर्सरी बेड बनाओगे, रेज नर्सरी बेड बनाओगे, जिसमें आपका 10x1x0.3 लेंथ ब्रेथ विथ होना चाहिए। और आप क्या करेंगे, वेल पहले आप सॉइल को अच्छे तरीके से बनाएंगे, तो वहाँ पे बेड का निर्माण करेंगे और वहाँ पे सेंड मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। उस सीड को कोई रोडेंट्स वगैरह या फिर कोई क्रॉप वगैरह उसको फैक्ट ना कर सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे सैंड का यूज़ करते हैं ना, और स्ट्रोक यूज़ करते हैं ताकि ऊपर से कवर करने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप उस नर्सरी बेड में प्रॉपर वाटर रेगुलर प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपके पास गनी बैग है या फिर स्ट्रॉ है, नहीं तो फिर कोकोनट लीफ का यूज़ करेंगे ताकि उसको ऊपर से कवर कर सके। जैसे ही आफ्टर 10-15 डेज उसमें लगाने के बाद क्या होगा, उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, पेरी स्ट्रॉ को रिमूव कर देना है, और फिर आपकी जो सीड्स है वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट करने लगेंगे। सीड्स को फिर जाकर लगा सकते हैं अपने फील्ड के अंदर जहाँ पे आप लगाना चाहते हो, वहाँ से उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया नो? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द सीडलिंग कैन बी ट्रांसपोर्ट टू पॉलीथीन बैग। अब सीडलिंग को ट्रांसपोर्ट कर दीजिए पहले पॉलीथीन बैग के अंदर, और फिर इट फिर उसको आपको नर्सरी बैग बेड के अंदर उसको मेंटेन करना पड़ेगा 10 से 12 साल, मतलब एक साल के लिए मान के चलिए, और वहाँ पे फिर आप वहाँ से स्टंप बनाइए। अरे भाई सिंपल सा है, देखो कि आपने क्या किया, घुमा फिरा के वही किया जो कि मैंने आपको शुरू बताया था। आपने फ्रूट को लिया, पूरा कहानी यहाँ समझिए, आपने फ्रूट को लिया, ठीक है, फ्रूट को लेने के बाद उसको आपने उसके सीड को निकाले, अच्छे तरीके से क्लीन किया, फिर उसको आपने क्या किया, बैग के अंदर, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना, फिर उसको आपने बैग के अंदर रख दिया। ठीक है, अब उसको आपने जैसे ही बैग के अंदर रख दोगे तो फिर कितना परसेंट मॉइस्चर है, 12% मॉइस्चर के अंदर, जबकि हवा नहीं जाना चाहिए। फिर उसके डॉर्मेंसी को आपको ब्रेक करना पड़ेगा जब उसको लगाने के लिए, तो उसको आप भिंगाइए सुखाइए, ठीक है, और फिर उसको आप डॉकिंग करना है आपको रनिंग वाटर में 12 घंटे के लिए। फिर उसको आप क्या कीजिए, सीड को ड्राई कर दीजिए 12 घंटे के लिए, फिर उसको क्या करना है आपको, इस प्रोसेस को रिपीट करना है। फिर उसमें से जो अच्छे साइज़ के होंगे उसको आपको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद उसको आपको नर्सरी बेड बनाना है, वहाँ पे उसको लगा देना है। लगाने के बाद क्या होगा कि देखिए इसको आप यहाँ पे लगा दिए। अब फिर इससे क्या होगा, आपका टी जो आपका स्टंप है उसका निर्माण होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि उसको आप नर्सरी मेंटेन करते हो एक साल तक, ठीक है, फिर जैसे ही इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा इस सीड का, तो इसके जो लीफ होंगे, रूट होंगे, उसको आप हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्टंप बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि सीड को किस तरह से मेंटेन करेंगे, और फिर स्टार्टिंग में देखा था आपने स्टंप को कैसे बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कुछ नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया कि सीड को लीजिए, साफ कीजिए, उसको बैग में पैक कीजिए, 12% मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, एयर टाइट। मैं इसलिए रिपीट करूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, उसमें हवा जरा भी अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर उस सीड को आप क्या कीजिए, डोमेस्टिक उसके ब्रेक कीजिए, ब्रेक करने के बाद उसको आप नर्सरी में मेंटेन कीजिए एक साल तक, जैसे उसमें जर्मिनेशन आ जाएगा उसके रूट उसके लीफ को कट कर दीजिए, तो आपका स्टंप बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए बोलता है कि अ सुटेबल लैंड विथ गुड सॉइल, रेनफॉल इनका एटलीस्ट 1200 mm के आसपास होना चाहिए, ठीक है, और अगर जो आप मतलब आप जो बना रहे हो यहाँ पे लगा रहे हो, तो लैंड जो है वो एट 45 सेंटीमीटर का आर्टिस्ट को जो पीट होना चाहिए, तो पीट जो है वो 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और स्पेसिंग की बात करें तो 3x4 meter भी हो सकता है, 2x2 meter का भी रख सकते हो, 3x3 meter का भी आप रख सकते हो, ठीक है, बट ये कब करेंगे, रेनी सीजन से पहले। उसमें आप फार्म यार्ड मैन्यूर को मिक्स कीजिए, ठीक है, और पीट के अंदर लगाने से पहले, और जब यहाँ पे किसको लगा रहे हो, आप स्टम्प को लगा रहे हो, ठीक है, स्टम्प को लगा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप उसको पिट में यूज़ कर रहे हो तो उसका लेंथ ब्रेथ विथ 45 सेंटीमीटर का रखिए, अगर उसको आप नर्सरी में लगा रहे हो तो उसका लेंथ जो उसका स्पेसिंग है वो 2x2 meter का रखिए। उसमें आप फार्म यार्ड मैन्यूर को मिक्स करेंगे, ठीक है, और सीडलिंग को आप प्लांट कर दोगे रेनी सीजन के पहले, ठीक है, मतलब रेनी सीजन से पहले आप अपना फील्ड को तैयार कर लीजिए, और ऐसा ट्राई कीजिए कि रेनी सीजन आने वाला रहेगा तो उसी टाइम आप क्या कीजिए, सीडलिंग को प्लांट कर दीजिए, ठीक है। और फिर बोलता है फॉर स्टम्प प्लांटिंग, क्रो बार मे बी यूज एंड पिटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड।
देखो अगर आप बोलते हैं कि अगर स्टम्प प्लांटिंग यूज़ कर रहे हो तो क्रोबार का आप यूज़ कीजिए, ठीक है, पिटिक की जरूरत यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगी। इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि आपको वाटर वीकली प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, एंड रेगुलर वीडिंग एंड प्रूनिंग हैव टू बी डन। आपको रेगुलर उसमें वीडिंग और प्रॉपर प्रूनिंग आपको करने पड़ेंगे इनिशियल स्टेज के अंदर, ठीक है, ताकि उसको अच्छे तरीके से वो ग्रो हो सके। आपको जितने भी ब्रांचेस हैं उसको रिमूव करना पड़ेगा पीरियोडिकली विदाउट अफेक्टिंग मेन स्टेम, ताकि आपका मेन स्टेम अफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि मेन यही है ना, जितने भी आपको ब्रांच आएंगे उसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है, इनिशियल स्टेज के अंदर बता रहा है। ये जितने भी इसके ये आएंगे ना ब्रांचेस, उसको आप रिमूव कर देंगे, लीफ जो आपके जितने रूट्स आएंगे उसको भी आप रिमूव कर देंगे, ठीक है। सेकेंडरी रूट की बात कर रहा हूँ, जस्ट मैंने बताया ना, मतलब आपको इनिशियल स्टेज में स्टम्प को मेंटेन करके रखना है। आप ड्रिप इरीगेशन यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है, ठीक है, आपको पानी कम यूज़ होगा और आपका पानी भी अच्छी बच जाएगी, मतलब आपकी इरीगेशन एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि क्या प्लांटेशन मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो इसमें आप 50 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम सुपर फॉस्फेट सिक्स मंथ तक, आफ्टर सिक्स मंथ उस लगाने के छः महीने के बाद आप डालिए, ठीक है, 75 ग्राम यूरिया, 60 ग्राम सुपर फॉस्फेट आफ्टर 24 मंथ, जैसे प्लांटिंग के छः महीने बाद आपको 50 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम सुपर फॉस्फेट यूज़ करना है, और आफ्टर 24 मंथ आपको 75 ग्राम यूरिया और 60 ग्राम सुपर फॉस्फेट को यूज़ करना है, ताकि इनका ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ सके, काफ़ी स्पीडली बढ़ सके। तो इनिशियल स्टेज में आपको सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, आपको जितने भी ब्रांचेस आएंगे उसको रिमूव करते चलेंगे, प्रॉपर प्रूनिंग ट्रेनिंग करते चलेंगे, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि उनका मेन स्टेम अफेक्ट ना हो जाए, ठीक है। नौ, फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं इनके ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए और अंग टिक ट्री एंड मैच्योर ट्री को बनाने के लिए। आपको थिनिंग भी इसमें करने पड़ेंगे, मतलब अल्टरनेट रोप आप रिमूव कर दीजिए, उसको थिनिंग बोलते हैं। ये कब करेंगे, 5 या फिर 10 साल के बाद, ठीक है। मैकेनिकल थिनिंग भी आप इसमें बहुत ज़रूरी होता है, इसका इंटरवल ऑफ थिनिंग साइकिल की बात करें तो 5, 10, 15, 20, 30, 60 ईयर इनका रोटेशन होता है केरला के अंदर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी बहुत पड़ती है और यहाँ पे ये ट्री आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इनका थिनिंग साइकिल कैसा होता है, एट द एज 5 ईयर्स में, 10 ईयर में, 15, 20 और 30 ईयर्स में होता है, 60 ईयर्स मान सकते हो। इनका एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस की बात करें तो टिक जो होता है वो एक फेवर्ड सिल्विकल्चर स्पीसीज माना जाता है फार्मर्स के लिए, ठीक है। इनको हम अलग अलग मॉडल में तैयार करते हैं, जैसे कि अगर बात करें IFZTB के अकॉर्डिंग, इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। तो इनके अकॉर्डिंग कुछ मॉडल तैयार किया गया है ताकि एग्री सिल्विकल्चर अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, एक अच्छा मॉडल बनकर निकल सके। तो आप टिक के साथ साथ केजूरियाना को भी लगा सकते हो, साथ में आप एग्रीकल्चरल क्रॉप को लगा सकते हो, जैसे कि मेज, कॉटन, टर्मरिक, टोमेटो, चिली को भी लगा सकते हो, ठीक है। और इनका जैसे कि अगर हॉर्टिकल्चर मॉडल के लिए यूज़ कर रहे हो, मेरी बात ध्यान सुनना, तो IFZTB ने कुछ एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल को डेवलप किया है। अगर आप एग्री सिल्विकल्चरल मॉडल के लिए यूज़ कर रहे हो तो टिक प्लस केजूरियाना साथ में आप कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप को लगा सकते हो। अगर आप एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर मॉडल के लिए तैयार कर रहे हो तो टिक के साथ साथ आप कोकोनट, ठीक है, कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप जैसे कि आप टर्मरिक, वेजिटेबल, मेज, कॉटन यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिल्वी हॉर्टिकल्चरल मॉडल यूज़ कर रहे हो तो टिक, क्वाबा, अनोना भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर बोलता है कि अंडर इरीगेटेड लैंड सिल्वी पास्टर मॉडल हैज़ डेवलप। अगर इरीगेटेड लैंड है तो वहाँ पे हम लोग सिल्वी पास्टर मॉडल को डेवलप किए हैं, जैसे कि आप टिक के साथ साथ केजूरियाना लगा दीजिए, ठीक है, साथ में आप नेपियर ग्यूनिया पास्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नौ, इनके यील्ड की बात करें तो इच टिक ट्री जो होते हैं वो 10 to 15 क्यूबिक फीट वुड को ये 14 ईयर के अब के अप्रॉक्स ये प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। नौ, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पेस्ट डिजीज की बात करें तो जैसे कि हाइबिलिया प्यूरिया लीफ एस्केलेटोनाइजर, ठीक है, एक्टोना मैकेरेलिस, ठीक है, ये इनके मेजर पेस्ट होते हैं टिक के अंदर। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो सीडलिंग के जो नर्सरी जब आप नर्सरी में लगाओगे तो ज़्यादा ही अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो उस टाइम भी अफेक्ट करते हैं। एस प्यूरिया जो है वो फीड करता है फॉलियज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज, उनके जो फॉलियज होते हैं लीफ वगैरह होता है उसको
खाना स्टार्ट कर देता है अर्ली स्टेज के अंदर, और ग्रोथ सीजन में ई मैकेरेलिस जो है वो फीड कर देता है ओल्डर फोलियस को, मतलब ऊपर वाले जो ओल्डर लीफ हो गया उसको ये क्या करते हैं खाना स्टार्ट कर देता है। और मैकिंग आपको क्या करना है, प्रॉपर इनको आपको प्रॉपर मैनेज करना है, अच्छे तरीके से इनमें आपको डिटेक्ट करना है। और मोस्टली जैसे माना जाता है कि लार्वा फेज होता है उस दौरान आपको अच्छे तरीके से इसको मेडिसिनल मतलब जो मेडिसिन होता है उसको प्रोवाइड कीजिए, है ना। दैट मीन्स कि अगर आप इस प्लांट्स को लगाए हो तो आपको अच्छे तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा, किसी तरह का कोई डिजीज पार्ट उसमें ना हो जाए। अगर डिजीज हो भी गया तो उस पार्ट को रिमूव कीजिए, उसको अच्छे तरीके से देखभाल कीजिए, और आपको कुछ किसी का लार्वा दिखाई पड़ रहा है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और अगर उसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसको आप नीम का स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। एनपीवी वायरस का यूज़ कर सकते हो, ये क्या करेगा आपको प्लांट्स को इफेक्ट नहीं करेगा, ये जो इंसेक्ट्स है के लार्वा है उनको ये खा जाएगा, मोस्टली एच प्यूरिया को, ठीक है। नो इनका यूज़ हम बहुत जगह पे कर सकते हैं, जैसे कि आप रेल्स वगैरह में देखे होंगे डेक हाउसेस में डेकिंग करने के लिए, ठीक है, वेदर हाउसेस में, प्लैंकिंग में, हेजेस में, बुलवॉट्स में, इनके जो जो होता है ना सागवान, इनका बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा इसका वैल्यू भी है, ठीक है। बट लोग इसको प्रीफर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लेता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी को ट्री के कॉम्बिनेशन में ये थोड़ा भी अच्छा, क्योंकि इसका जो सीडली है ना स्टम्प उसको थोड़ा सा मेंटेन करना स्क्वायर चैलेंज हर किसी से नहीं हो सकता है, थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से और अच्छा खासा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इनके अलग अलग वेराइटी हैं जिसका यूज़ कर सकते हो इनका, जैसे कि इनका यूज़ हम बोट सी बनाने के लिए भी करते हैं। इनका जो जो सेंट्रल इंडिया के अंदर इनका कलर टेक्सचर ग्रीन, ठीक है, फर्नीचर एस्थेटिक वैल्यू के लिए इसको प्रीफर किया जाता है। और गोदावरी या फिर गोदावरी वैली की तरफ बात करें तो इनका यूज़ हम लोग कैबिनेट मेकिंग के लिए करते हैं, फर्नीचर के लिए करते हैं, और इनका मार्केट में काफ़ी ऐसा डिमांड भी है, ठीक है, क्योंकि ये हर एक ग्रोइंग स्टेट इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका मेडिसिन भी बनता है फ्रेंड्स। तो ये था हम लोग बात की आज टिक ट्री के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कैसूरियाना ट्री के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।